फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और बच्चों का फेवरेट चॉकलेट मिल्क शेक की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है और बच्चे तो बस फटाफट फिनिश करते हैं। और इसके साथ मैंने एक ट्विस्ट किया है और मैंने यहाँ पे आइसक्रीम का यूज़ किया है और जिससे कि वो और ज़्यादा टेस्टी हो गया है। तो चलिए आपको बताती हूँ मैं कैसे मैंने बनाया है चॉकलेट मिल्क शेक। क्योंकि अभी समर भी आ गई है तो अभी क्या है, बहुत गर्मी होती है तो ठंडा ठंडा पीने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे मैंने बनाया है इसको। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूँ। फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरा सेकेंड चैनल है पुष्पलता कॉर्नर्स, तो प्लीज़ वहाँ भी आप मुझसे जुड़ें। वहाँ पे आपको ऑल टाइप वीडियो देखने को मिलेंगे, हर टाइप के वीडियो मिलेंगे, तो आप वहाँ भी मुझसे जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। चॉकलेट मिल्क शेक बनाने के लिए कोकोआ पाउडर लिया है, ये मैंने आइसक्रीम लिया है हाफ बाउल, और ये मैंने शुगर और मिल्क लिया है। तो ये मैंने हर्शीज़ का कोकोआ पाउडर लिया, आपके पास जो अवेलेबल आप ले सकते हैं उसको। चलिए बनाते हैं। तो मैंने एक जार लिया है, जार के अंदर मैंने आइसक्रीम को डाल दिया है और जो मैंने कोकोआ पाउडर लिया था उसको मैंने डाल दिया। उसके बाद शुगर मैं ऐड करूँगी, उसके बाद जो मैंने गिलास लिया है उसको ऐड करूँगी मिल्क, और आप अपने जैसा भी जितना भी बनाए उस हिसाब से कर दें। और इसको मैंने बना लिया है मिल्क शेक को, अब मैं सर्व करूँगी। तो मैंने थोड़ा आइस क्यूब लिया है और इसको मैंने गिलास के अंदर डाल दिया है, और उसके बाद हम इसके अंदर जो हमने शेक बनाया है वो शेक हम डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फिर से थोड़ा सा आइसक्रीम डालूँगी ताकि और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाए हमारा मिल्क शेक, तो बच्चों तो फटाफट फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है और यहाँ पे अब मैं जो मैं मिल्क शेक रेडी की हूँ वो मैं ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, दोनों ग्लास में मैं ऐड कर लूँगी और उसके बाद मैं सर्व करूँगी। तो आप देख सकते हैं थोड़ा डेकोरेशन के लिए यहाँ पे मैंने चोको चिप ऊपर से और डाला है ताकि बच्चे देखते ही फिनिश कर दे। और आप यहाँ पे हर्शीज सिरप का भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना ही अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी बना था। और मेरी बेटी तो जल्दी कुछ खाती पीती नहीं, बहुत जल्दी फिनिश कर दी थी, मम्मा और बनाना, अब तो डेली बनवा के पीती है, बहुत ही टेस्टी बना था। आप भी ट्राई कीजिए और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ फिर एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ़।